ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाप दादा के 15 अप्रैल 2022 के अनमोल महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाबा आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने के लिए। आज का प्रश्न है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं ना, अनुभव सभी को, कलयुग के संबंधी। वैसे सतयुग और त्रेता युग के संबंधी तो बहुत सुख देते हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ भाई, आज बाबा बच्चा बनाने के लिए बोल रहे हैं। मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। वारिस बनाओ तो मैं तुम्हें वर्षा दूंगा। साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। वाह। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने से क्या फायदे होते हैं, बाबा ने आज प्रॉमिसेस किए हैं। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा। कौन है? शिव भोला भगवान। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी भाई? किसकी महिमा है ये? कितना भोला कितना, अपने बेहद के बाप की, उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता माना बाबा, पिता माना बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो, एडॉप्टेड चिल्ड्रंस है। शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर है या नहीं? नहीं, नहीं है ना? नहीं। यह है? नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकार शरीर नहीं है, उनको कहा जाता परम पिता। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? परम पिता का अर्थ है परे ते परे रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। वह बाप बहुत मीठा है, सो स्वीट फादर, इसलिए उनको ये महिमा दी है। त्वमेव माता श पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु श सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो। वाह वाह वाह, बाबा जैसा पढ़ाने वाला हो तो और क्या चाहिए। भाई भी आप जैसा हो, प्यारा बाबा हमारा भाई भी है। अनुभव किया है सभी ने, जिन माताओं को भाइयों को भाई नहीं तो वो संबंध बाबा से जुटा करके वो प्यार देवे। बाप भी आप जैसा हो, जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं। आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है, परंतु वह बाप बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते। ऐसे बहुत थोड़े होंगे बच्चे जो बहुत प्यार से माँ बाप की सेवा करते हैं रियल में। स्त्री मिली माना शादी हो गई, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, ये तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। आज पूरा बाबा से वर्षा,
21 जन्मों का लेने के लिए बाबा कहते मुझे बच्चा बनाओ। कैसे माताएं बातें करती बाबा से, शिवबा मेरा लाल है, बच्चा है, आ जाओ बेटा, खाना खाने के लिए आ जाओ, बेटा अभी यहाँ जाना है, चलो मुझे लेकर के चलो, है ना। बहुत प्यार से बातें करने, जैसे लौकी बेटे के साथ आप करते हो ना, ऐसे मीठी मीठी बातें बाबा से करनी है। बेटा मुझे सुबह जगा दे, जगाना अमृत वेले, मुरली के लिए लेके जाना बाबा। तो इतना प्यार से आप बाबा से बातें करेंगे। अच्छा, बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख देंगे। इनको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बनाएंगे। कम बात है क्या, स्वर्ग की महारानी बनाएंगे। देह से ही देह के सब संबंध से बुद्धि तोड़ो, क्योंकि वह सब तुमको दुख देते हैं। संबंधियों क्या करते हैं, दुख देते हैं। हम तुमको सुख ही सुख देंगे। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते भी है, है ना, अनुभव सभी को। बाबा हमारे साथ खेल पाल भी करते हैं, खेलते भी है। समझते हैं हम भाई से खेलते हैं, भाई होने से सुख देते हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे तोड़ना है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों के सन्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाए सदा सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है और वह खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है, ब्रह्मा बाबा फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है। तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं, ड्रामा अनुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली तो नाम कितने रमणीक पड़े। याद भी करते हैं पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते, कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। समझते भी है वह स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में ले गए, यह है भूल। यह सब भूल को निवारण कर बाप आकर के हमको क्या बनाते हैं भाई, अभूल बनाते हैं। जो हमने भूले की है उसको अभूल बनाते हैं बाबा। स्वर्ग में ऐसे भूले करते ही नहीं, भूल कराने वाली कौन, माया। और सतयुग में माया होती नहीं। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए तुम सबको समझा सकते हो, यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। ऐसा किसने बनाया, अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है तो पूछा जाता है यह तुमको किसने दिया। कोई धनवान है उनको पूछो भाई आपको पैसा इतना किसने दिया, तो क्या बोलते हो, भगवान ने दिया, सब कुछ भगवान का है। बाप है ही दाता, बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। एक तो बेहद शिवालय में राज्य करते, सतयुग और त्रेतायुग क्या है, बेहद शिवालय है उसमें हम राज्य करते हैं, और द्वापर युग में आकर के शिवालय बनाते जड़ यादगार बाबा का मंदिर बनाते हैं। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। पतित मनुष्य को देखो, पतित मनुष्य को कभी भी देवता नहीं कहा जा सकता। अभी तुम जानते हो हम हैं देवता कुल के, किसके कुल के हैं, देवता कुल के हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, मैं तो सदैव पूज्य हूँ। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं तुमको याद का फल देता हूँ। तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है, हाँ बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को, ये दुनिया अच्छी लगती है, अभी तक दिल हटी नहीं है, इसलिए बाप से दिल जुटी नहीं है। जब हटेगी पुरानी दुनिया से दिल, तब जुटेगी बाबा के साथ दिल।
मैं सभी रूपों से तुमको सुख देने आया हूँ, वो तो सब तुमको दुख देते हैं, अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है, तब तो याद करते हैं शिव भोला भंडारी, भर दो झोली हमारी। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने के लायक कहाँ है बाबा, नालायक को लायक बनाते हैं, राजयोग सिखलाकर महाराजा महारानी बनाते हैं, 21 जन्मों के लिए बनाते हैं ना हम, शिक्षा देते हैं, उच्च पद पाकर नाम बाला करो, बच्चों में नंबर वार तो होते ही है, जो जितना पढ़ेंगे अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं, माँ बाप के आज्ञाकारी बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए, बाप का नाम ही है कल्याणकारी, स्वर्ग को नर्क रावण बनाता है और नर्क को स्वर्ग राम बनाता है। शिव बाबा तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो, जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे सबसे ममत्व मिटाना है, एक तो श्रीमत पर चलना है, जितना श्रीमत पर चलते जाएंगे ऑटोमेटिकली ममत्व मिट जाएगा, कोई अलग हमें कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं। कहते बाबा कैसे मिटाए, बच्चे ट्रस्टी बनो, है घर व्यवहार बाल बच्चों के साथ भी रहना है लेकिन ट्रस्टी, हम मालिक नहीं, मालिक कौन बैठा है हमारा, शिव बाबा। फिर राय लेते रहो इस हालत में बाबा क्या करे, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया है घर में तो क्या करे, तो बाबा राय देंगे। हम उस समय बोलते हैं अरे बाबा वो क्या पूछ रहा है, हम मैं मालिक हूँ मैं देखूंगी ना क्या करना है, नहीं बाबा को पूछ रहे बाबा ऐसे क्या करेंगे हम। बाबा कहते छोड़ना तो सन्यासियों जैसा हो जाएगा, घर बार का सन्यास नहीं करना है, सन्यास पुरानी दुनिया का कराते, वह घर बार छोड़ देते बड़ा नुकसान कर देते हैं, फिर भी पवित्र रहते हैं तो कुछ मदद करते हैं, तो साधु सन्यासी जो भी सत्संग जो भी क्या करते सन्यास करते हैं समझो, भले घर छोड़ करके जाते लेकिन बाल बच्चों का पत्नी का हाल बहुत होता है। हाँ यदि उन्होंने शादी नहीं की है अकेले है बाल ब्रह्मचारी है वाह कोई बात नहीं, बाकी ऐसे नहीं गुरु बन किसकी गति सदगति कर सकते हैं, पवित्र बनाते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को। शंकराचार्य जी ने एक बारी मुझे पूछा था किसने बोला है कि बहनों को भी ब्रह्मचारी बनना है, किसने बोला कन्याओं को भी संन्यास लेना है, किसी भी शंकराचार्य ने या किसी भी शास्त्र में ऐसी बातें है क्या, हमने कहा किसी ने नहीं बोला शिवाचार्य ने बोला है, जो बातें शंकराचार्य ने नहीं बोली वो बात शिवाचार्य बोलते हैं। घर बार में रहते हमारी माताएं बहनें भाई हमारे पवित्र हैं, तो बाबा तो दोनों को नंगन होने से बचाते हैं, बाबा शिक्षा देते हैं अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, स्वर्ग में सब सुखी होते हैं, अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे, जो जितना वर्षा देते हैं उतना फिर हम रिटर्न भी देंगे परंतु स्वर्ग में देंगे यहाँ नहीं। हाँ यदि आप बोलते हो बाबा हमें यहाँ दो, अरे यह क्या चीज़ है क्या करना है यहाँ, बस दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। हाँ दाल रोटी तो खाते हैं लेकिन प्रभु के गुण गाने में टाइम ही है नहीं। मुझे जो तुम देते हो वह भी मैं तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता तुम बनते हो, तुम्हारे लिए यह मकान आदि है ये प्रदर्शनी है वह भी तुम बच्चों की सर्विस है, फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जितना चाहे उतना अब भी मेरे से ले लो, मुझे वारिस बनाओ या न बनाओ अपने बच्चों से ही सुखी रहो।
बहुत तुम्हें घमंड है अपने बच्चों पर, नाज है, ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं, करो प्यार उनसे, बाकी पवित्र रहो और एक बाप को याद करो तो अंतमती सौगति हो जाएगी, बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ, बाप और वर्षे को याद करो, बच्चा पैदा हुआ तो वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज्य किया फिर हराया, अब बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, मेरा बन जाओ, मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है, देखो क्या क्या फायदा हुआ ना, आज लिखना मुरली किसी कल मुझे दिखाना, ठीक है बाबा का बनने के बाद मुझे क्या क्या फायदा हुआ, आज लिखना पूरे दिन में, एक पेज डालो 10 पॉइंट 15 पॉइंट जितनी भी आती है मन में लिख डालो, मेरा गुस्सा कम हो गया, ममत्व कम हो गया, या धनवान बन गई मैं, स्थूल रूप से भी धन आ गया, बाबा का बनने के पहले घर भी नहीं था, बाबा ने घर भी दिया, जो भी कुछ बातें हैं आपकी। गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो, मैं आत्माओं से बात करता हूँ और गंस द्वारा, बाबा ने भी इसमें प्रवेश किया है ब्रह्मा के तन में, जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई, उस जमाने में होता था, अभी नहीं, शरीर तो आ न सके, बाबा का तो अपना शरीर नहीं है इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं, तुम भी अशरीरी बनो, भूल जाओ देह को, देह का अहंकार छोड़ दो, है क्या इस देह में, मिट्टी का पुतला है लेकिन उसका भी अहंकार बहुत रहता है ना, क्या होता है, सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, सतयुग में आत्मा अभिमानी थे फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए, पहले खुशी से शरीर छोड़ते थे और लेते थे, तुम्हारा क्या जाता है सतयुग और त्रेता युग में खुशी से शरीर छोड़ते थे, अभी नया लेंगे नया लेंगे, और यहाँ छोड़ने में है तो पुराना दुखी दुख देता है, कितना बीमार होता है, उसमें भी मोह अटका पड़ा है, रोजाना शरीर को जलते हुए देखना है, सेकंड सेकंड शरीर छोड़ा और देखो आप अग्नि चिता पर कैसे चिता जल रही है उसकी, 5 मिनट में 10-15 मिनट में इसकी मुट्ठी भर राख हो जाएगी, और उसके लिए कितना क्या कर रही हूं मैं, तो नहीं होना है, बार बार वो चित्र देखना है मन बुद्धि से, जलने वाला है जलने वाला है जलने वाला है, उसके लिए मैं क्या कितना कर रही हूँ, है तब तक उसको संभालना है, दवाई पानी जो भी कुछ है, क्योंकि मुझे सेवा करनी है इसे, मुझे अपना भाग्य जमा करना है, प्यारे बाबा की याद करनी है इसमें बैठ करके, मुझे पवित्र बनना है इसमें बैठ करके, मुझे आत्मा को संपूर्ण पावन बनना है इसलिए इसकी संभाल करनी है, लेकिन तू मच अभी ये काम ही नहीं कर रहा है, अभी ये मुझे तंग ही कर रहा है, पहले कितना अच्छा काम करता था लेकिन बाबा की याद नहीं करती थी, सेवा नहीं करती थी उस समय में, और अभी सेवा के लिए समय है और शरीर साथ नहीं दे रहा है, बाबा कहते हैं अपने शरीर को चाबुक नहीं लगाओ बच्चा, उसको प्यार से संभालो, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, चलो अभी झाड़ू पोछा करेंगे बेटा, चलो अभी ये करेंगे, चलो कराओ उससे, नहीं तो ये बिल्कुल ही काम नहीं करने वाला है, देह का अहंकार छोड़ दो बाबा कहते हैं, आत्मा को अनाज पाठ मिला है, स्वर्ग में रोने का नाम नहीं है, कोई मरता है तो, अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो, और फिर अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, और कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते, यहाँ निराकार परमात्मा कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, वह सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, यहाँ निराकार परमात्मा, अच्छा शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े, तब पुकारते हो हे सदगति दाता मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर, आओ
अच्छा बाप आया है, कहते हैं तुम मेरे मत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे, यह है श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत। बाबा है श्री श्री, कल भी बाबा ने बताया ना डबल श्री, जो आकर के भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, चक्र फिरता ही रहता है, न आत्मा मिटती है न उसका पार्ट भी मिटता है, ये बना बनाया खेल है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। बाबा कहते मैं भी पतित शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ, तुम फिर कितना हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो द्वापर युग में, हम उसमें हमको बिठाते हो, बाबा को बहुत अच्छा लगता है, इतना सुंदर महल बनाते, इतना सुंदर मंदिर बनाते बच्चे मेरे, और उसमें मुझे बिठाते हैं, हीरे का शिवलिंग बनाया था ना सोमनाथ मंदिर में राजा विक्रमादित्य ने, अभी जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं तो कोई मुझे जानते ही नहीं, और जो जानते हैं वो भी फारकते दे देते हैं, इतनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, इस भगवान को ही भूल जाते हैं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कितनी सहज बात है, माया आएगी तुम्हारा काम है माया को भगाना, जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद न आए, एक घड़ी आधी घड़ी घंटे घंटे में पूरे टाइम निकाल करके योग करते रहे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट करते रहे ना, भूले क्यों, याद करने की भी प्रैक्टिस करो, हाँ अपने को एक आदत डालो ऐसे, चलो भैया अभी कोई काम करना है 5 मिनट योग, बाद काम हो गया पूरा, बर्तन भी हो गए पूरे, चलो 5 मिनट योग करते हैं, विसावा रिलैक्स, फिर अभी कपड़े धोना है, चलो 5 मिनट योग, जैसे बाबा देहधारी आत्माओं को क्या करते हैं, बाबा साफ करते हैं, मेरे कपड़े साफ करते हैं आत्मा के, वैसे मैं आत्मा भी ये कपड़े साफ कर रही हूँ, हो गए कपड़े 5 मिनट योग, हो सकता है ऐसे या नहीं हो सकता है, करने से होगा। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते, कितनी सहज बात है। अच्छा फिर आखिरी अंत मति सो गति हो जाएगी, अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होगी तो सजाएं खूब खाएंगे महाकालेश्वराय उवाच, यदि किसी में बुद्धि लटकी है देहधारी में भी क्या होगा, खूब सजाएं खाएंगे, जैसे काशी खलबट खाते हैं उनको जीवघात कहा जाता है, आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात नहीं होता, वो तो अमर है, ये सब धारण कर बाप से बाप की याद में रहना है, सबसे ममत्व मिटाना है, ये पुराना शरीर है साक्षी होकर के रहना पड़ता है, अब वापस जाना है, यहाँ कोई मजा नहीं है यहाँ कोई मजा नहीं है, अर्थक्वेक में सब मर जाएंगे, मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है, तुम सब शिव शक्तियाँ हो, मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की, माताओं का मान जास्ती है, तुम सब कन्याएं हो, ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी है, आदर कुमारियां भी है, देखो आदर कुमारियां भी कन्या ही है, वह निर्विकारी रहती है, वह भीष्म पितामह आदि गाय है, ऐसे भी बहुत है जो छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं, जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए हैं सो अब कर रहे हैं, ठीक है या नहीं कर रहे बाबा, बाबा का काम तो चल ही रहा है, ये मंदिर अब टूटेंगे फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे, ये सब बातें धारण करने की है, ये अपने साथ बातें करनी है, कब करनी है भाई, अमृत वाले बाबा ने कहा ना उठ करके मुझे अपने साथ बातें करो, इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन, भगवान वाच तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, मनुष्य कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकते, इनकी आत्मा भी सुन रही है, ये घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो, कछुए का भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए ही है, बाप का परिचय सबको देना है, शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जाने
करना, ये तो कुछ नहीं है। हाँ, शिव की पूजा क्या बाबा आकर के करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कर्तव्य क्या है, ये जानने के बिना करना, ये भी क्या है, अंधश्रद्धा हो गई। हम भी पूजा करते थे परंतु अभी जानते हैं शिव बाबा हमको मनुष्य देवता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी माता क्यों मारते हो। ठीक है, कमानी है क्योंकि कौड़ियों का ही राज है, यहाँ कौड़ियाँ ही चाहिए, जहाँ जाओ वहाँ पैसा पैसा पैसा। ठीक है, थोड़ा कमाओ पेट की पूजा के लिए, बाकी जरूरत नहीं इतना ज़्यादा टू मच आना। हाँ, मुरली के लिए टाइम नहीं निकालते, सेवा के लिए टाइम नहीं निकालते, पैसा पैसा पैसा, न रमैया न कन्हैया, सबसे बड़ा रुपया, ये तो सब भस्म हो जाना है। पोतरे पोतरियां कोई भी रहेंगे ही नहीं खाने के लिए, भाई भगवान वाचे, पोतरे पोतरियां रहेंगे ही नहीं, सब मरने वाले हैं। आप कहोगे भाई बाबा शुभ शुभ तो बोलो, शुभ शुभ अभी ये तो पोतरे पोतरियां तो क्या है, जन्म लेते लेते आ गए ना, अभी छोटे बच्चे हैं वो, लेकिन है तो आत्मा ही पुरानी। तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और क्या है धारणा के लिए मुख्य सार, देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है, पुराना शरीर है इसे साक्षी हो चलाना है, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना है, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई न हो। आज का वरदान है स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो ऐसे स्व उन्नति पर भी अटेंशन चाहिए पूरा। जिनको यह बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं देते और लेते हैं, बैलेंस की प्राप्ति से ही ब्लेसिंग होती है, बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। क्या मिलता है बैलेंस से? ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले ये नहीं हो सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, माता पिता और परिवार की दुआ, यदि दूर जाते हैं परिवार से तो उनको दुआएं भी नहीं मिलेगी, ना माता पिता की मिलेगी ना परिवार की। तो माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, ये दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है गुण मूर्त बनना और सर्व को गुण मूर्त बनाना, यही महादान है। गुण मूर्त खुद बनना भी है औरों को बनाना भी है, यही क्या है महादान है। तो ऐसे स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और दुआएं देने वाले सभी सफलता मूर्त आत्माओं को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।